ओम शांति। बीके डॉक्टर चंद्रभूषण, योगा एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट, 20-22 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी हम आज घुटने के दर्द के लिए योगा करने जा रहे हैं। घुटने के दर्द को कैसे ठीक करें तो योगा एक्यूप्रेशर के द्वारा जानेंगे, नेचुरोपैथी के द्वारा। तो इसमें हम सर्वप्रथम घुटने के लिए जो है घुटने पे हाथ रखेंगे और इस प्रकार से रखेंगे ताकि घुटने के चारों तरफ हमारे फिंगर मिले हो और पॉइंट भी प्रेस होते रहे। घुटने को आगे पीछे 5 बार करेंगे। फिर इसको थोड़ा सा राउंड कर लेंगे। 2, 3, 4, 5। फिर इसके अपोजिट 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आप इससे काफ़ी रिलैक्स होगा और इसमें पैरों को पीछे मोड़ें और आगे खिंचाव दें। जानु शक्ति विकासक जानु घुटने को कहते हैं। तो खिंचाव के साथ झटका ना दें, जर्क ना दें, ध्यान रखें। पीछे मोड़ते हुए आपको खिंचाव देना है तो इससे घुटना रिलैक्स होता है, घुटने के दर्द में काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये कर सकते हैं। बाकी आप बैठ जाएं। बैठ के आप जो है घुटने के नीचे कोई भी तौलिया लें, मोड़ के गोल रोल बना लें और घुटने के नीचे रखें और उस तौलिए रोल किए हुए तौलिए के ऊपर प्रेशर दें और पंजे को खींच के रखें। 10 की गिनती करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर ढीला छोड़ दें। फिर से जो है पंजों को अंदर की तरफ खिंचाव दें। घुटने के नीचे तौलिया रखा हुआ है उसके ऊपर प्रेशर दें। मैंने मुट्ठी बना के रखा हुआ है और इसकी 10 की गिनती करें और फिर से ढीला छोड़ दें। ऐसे दोनों पैरों का एक साथ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 10 बार करना है। 10 की गिनती के साथ में रुकना है, फिर ढीला छोड़ना है। तो इससे बहुत आपको आराम मिलेगा। साथ में हाथ पीछे करें, थोड़ा सा पंजों को भी चलाएं। इससे पूरे लेग का जो है नसें रिलैक्स होती है। फिर रोल थोड़ा सा गोल घुमाएं, 10 बार एक तरफ, 10 बार दोनों तरफ, फिर रिलैक्स छोड़ दें। तो ये घुटने की एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा है, इसके द्वारा आप अपने को ठीक कर सकते हैं। बाकी घुटने की एक्यूप्रेशर पॉइंट ले लेते हैं, जो हमारे तरहती है जहाँ से कलाई शुरू होती है। तो छोटी उंगली के लाइन में नीचे गड्ढे के पास ये पॉइंट प्रेस करके आप घुटने को ठीक कर सकते हैं। उंगली के पीछे जो है ये 1, 2 और 3, ये इस प्रकार से 3 उंगलियाँ रख के बीचों बीच, तो ये घुटने को ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही दाहिने हाथ में भी सेम पॉइंट है, ठीक है ना। ये तीन उंगलियाँ रख के 3 पॉइंट कर लें या एक एक करके 3 पॉइंट कर लें। तो ऐसे ही पैर में भी घुटने का पॉइंट जो है छोटी उंगली के साथ में टखने के नीचे जो है यहाँ पर देखेंगे। इसको प्रेशर दे के आप अपने घुटने को ठीक कर सकते हैं। वैसे ही ये छोटी उंगली के गड्ढे में बीच में जो है चैनल में आप प्रेशर दे के 1, 2 और 3, वैसे ही दूसरे पैर में भी टखने के नीचे इसको आप प्रेशर दे के घुटने को ठीक कर सकते हैं। बहुत दर्द होगा ये तो, 4-5 मिनट के लिए कर सकते हैं पॉइंट प्रेस, ठीक है ना। तो वैसे ही इसको करके और जैसे और गर्म पानी ले 1 से 2 लीटर, उसमें एप्सम सॉल्ट केमिस्ट पे मिल जाता है, वो विशेष दर्द के लिए होता है। पुराने दर्द और सूजन को ख़त्म करने में काफ़ी अच्छा काम करता है। तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट गर्म पानी में डालें, हैंड टॉवल लें और जो है उसको गर्म पानी में डालें, दोनों तरफ भिगाएं ना। तो भीग जाने के बाद आप निचोड़ नहीं सकते, सूखा रखें और पकड़ के इसको निचोड़ें, देखें अपने हाथ पे सहन करने वाला है, रखने लायक है तो फिर घुटने पे रखें और उसके ऊपर से कोई तौलिया या कपड़े से ढक के रखें और 1-2 मिनट रखें। फिर दूसरी बार डालें, निचोड़ें और रखें। फिर तीसरी बार ऐसे 3 बार सिकाई करें। पहले आप तेल लगाना है, कोई भी दर्द का तेल नहीं तो सरसों तेल लगा लें और एप्सम सॉल्ट से भिगा हुआ तौलिया गर्म पानी में निचोड़ के अपने घुटने की सिकाई करें 3 बार और उसके बाद ढक के रखें 1/2 घंटे। इस प्रकार से योगा एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी माना कि गर्म पानी की सिकाई से आप अपने घुटने को ठीक कर सकते हैं। ओम शांति।